इमली की खट्टी दाल बना रहे हैं। देखिए ये अप्पो कच्ची इमली है, ये बोले तो अप्पो मसूर की दाल और बोले तो तुअर की दाल दो मिला के है। देखिए तो एक एक छटाक है, ये अप्पो है ये, और बोले तो ये बघार का है। देखिए पांच चीजा, लहसुन, राई, जीरा, लाल मिर्च है। देखिए ये हल्दी है आधा चमचा, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना, दो चमचा अदरक लहसुन है। देखिए हरी मिर्ची है, देखिए ये एक 10 हरी मिर्ची है, आधा कट्टा कुतमीर है, आधा कट्टा बोले तो करियापाक है। देखिए आगे तक मेरा वीडियो देखिए। दाल डाल रही हूँ, देखिए धो के बताती हूँ आपको। धो ली, देखिए अदरक लहसुन डाल रही हूँ, फिर बोले थी हल्दी, नमक है, देखिए हरी मिर्ची मैं पीस ली। देखिए आप लोगों को बताई थी ना, ये वो हरी मिर्ची होती है, 6-7 हरी मिर्ची को पीस ली मैं, करियापाक है। और ये थोड़ा पानी, 1 गिलास 1.5 गिलास उतना डाल के चढ़ा देना। देखिए उसको 2 सीटियाँ हो गए बाद एक कम से कम आधा घंटा रखना। देखिए कहीं भी बोले तो उसको अपने को घेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इधर इमली चढ़ा दी, खाली एक बार उबलने के साथ ही निकाल देना, नहीं तो ज़्यादा गल जाती वो इमली। ये देखिए गल गई, देखिए मैं 2 सीटियाँ हो गए बाद उसको 1-15 मिनट तो रखी। देखिए धीमे पे मैं इसको घेरती ही नहीं, देखिए कोस से भी डालों को चमचे से खाली ऐसा करे तो इतनी बारीक हो जाती हूँ, नहीं कुछ पूछना नहीं। हो गई देखिए इसमें कोतमीर भी, और बोले तो करियापाक डाल रही हूँ, इमली भी गल गई। देखिए आपको तोड़ के बताती मैं, ये देखिए खाली एक ही चुबाल आता ना तो इमली को निकाल लेना, अब ऐसा मत के डाल देना। देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैं बाटलों में भर के रखे सो बना के बताई थी, तो ये ताज़ी इमली की खट्टी दाल बना के बता रही हूँ मैं आप लोगों को। होगा देखिए पानी अपने हिसाब से डाल लेना इसमें, कच्ची इमली और बोले तो कच्चे मिर्चियों की दाल इतनी ज़बरदस्त होती है, देखिए सीजन के हिसाब से कुछ पूछना नहीं। खट्टी दाल ऑलरेडी ये हैदराबाद में खाली उसकी मसूर की लाल दाल बनाते हैं, मर कि मैं कभी भी दो दाल डाल के बनाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी दिखती है तुअर की दाल और मसूर की दाल। बघार की बता रही हूँ, देखिए रई, जीरा, लहसुन और बोले तो लाल मिर्ची, करियापाक डाल के बघारना। देखिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी मस्त रहता है ये बघार का तड़का, कुछ पूछना नहीं। इतना चावल खा लो आप ये दाल के साथ। दाल देखिए अपन कोसी भी किस्म की दाल बने तो आप लोगों को बेजारिश नहीं आती, आप कोसी भी दाल बना लो, आप कोसी भी हिसाब की दाल बना लो, अपने को दाल बेजारिश नहीं आती चावल के साथ। बन गया देखिए पूरा बघार के, देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो आपको कटोरे में निकाल के भी बताती हूँ आप लोगों को। देखिए तड़का कितना ज़बरदस्त दिख रहा, और ये कच्ची इमली निकले हो तो ये दाल हम बनाए तो इतने अच्छे हो रहे और इतने मज़े के होते, कच्ची इमली का कच्ची इमली और बोले तो कच्ची मिर्चियाँ रहते। देखिए हरी मिर्ची बोलते हैं उसको, तो मैं आपको मोटे हिसाब से बोल के बता रही हूँ, कटोरे में डाल के निकाल के बताती हूँ। देखिए तो इतना खाना खाया जाता है ये दाल के साथ, दाल अपन लोगों को उसकी भी दावत में जाके और दाल ही खाना दिल बोलता है। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।